हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। आज की ये वीडियो WWE से जुड़ी कुछ बड़ी और कमाल की अपडेट्स पर होने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे रोमन रेंस के बारे में, WWE क्या सऊदी अरेबिया में शो करने वाली है, वहीं जॉन मॉक्सली ने क्यों विंस मैकमैन को मैडमैन कहा, क्या अलिस्टर ब्लैक को WWE ने TV से ऑफ कर दिया है, वहीं मुस्तफा अली हम हुए इंजर्ड, सभी ढेर सारी अपडेट्स को कवर करेंगे, वो भी डिटेल्स में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी, तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शुरुआत करते हैं अलिस्टर ब्लैक से। जैसा कि रिसेंट में रॉक के एपिसोड में अलिस्टर ब्लैक ने एंट्री करके डोमिनिक को बचाने की सोचते हुए सेथ रॉलिंस और मर्फी पर अटैक करा था। हालांकि अलिस्टर ब्लैक कुछ कर नहीं पाए थे और खुद ही पिट बैठे थे। इसके बाद सेथ रॉलिंस ने मर्फी से वही करने को कहा जो अब तक रे मिस्टीरियो के साथ सेथ रॉलिंस ने करा था। मर्फी ने वैसे ही अलिस्टर ब्लैक की आंख को स्टील स्टेप्स के कॉर्नर में लगा के दबा दिया, जिसके बाद अलिस्टर ब्लैक फड़फड़ाते हुए नजर आए। अब ब्लैक को लेके अपडेट ऐसी आ रही है कि WWE ने ऐसा अलिस्टर ब्लैक के साथ इसलिए करा ताकि WWE उन्हें इंजर्ड बता के कुछ टाइम के लिए TV से ऑफ कर सके। अब ऐसा किस वजह से होगा वो पता नहीं, बट हाँ इतना है कि WWE क्रिएटिव के पास शायद अलिस्टर ब्लैक के लिए कोई मजबूत स्टोरी लाइन नहीं है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि वो कितने टाइम के लिए टीवी से ऑफ रहेंगे। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है मुस्तफा अली से। जैसा कि लास्ट वीक मुस्तफा अली ने रॉ पर काफी महीनों बाद रिटर्न करा, अब जब उनकी वापसी हुई तो लगा था कि WWE उनके साथ कुछ अच्छा और फ्रेश करेगी। बट हाल ही में रॉ के एपिसोड में WWE ने उन्हें बॉबी लैशले के सामने उतारा और उस मैच के दौरान मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा था कि बॉबी लैशले के सामने मुस्तफा अली बिल्कुल भी नहीं टिक पाएंगे। मार खाते देखने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था कि अली बेबी फेस सुपरस्टार हैं, मार खा रहे हैं बट मैच को शायद जीत लेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। WWE ने मुस्तफा अली के फैंस को एक बार फिर से मायूस करा। इस मैच के दौरान बॉबी लैशले के कुछ मूव से अली के एब्स पर इंजरी हुई, जिसकी फोटो उन्होंने बाद में शेयर करी। अब देखते हैं WWE अली को महीनों बाद हुई वापसी के बाद उन्हें अच्छे से बुक करती है या नहीं। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है सऊदी अरेबिया के इवेंट से। जैसा कि पिछले कुछ साल से WWE सऊदी अरेबिया में दो बड़े इवेंट करती है। अब बात आती है साल 2020 की, तो इस साल के शुरू में हम सऊदी अरेबिया का एक बड़ा इवेंट देख चुके हैं। वहीं रिसेंट में WWE के बॉस यानी कि विंस मैकमैन ने उम्मीद जताई है कि WWE साल के खत्म होने से पहले सऊदी अरेबिया में एक और बड़ा इवेंट कर सकती है। विंस मैकमैन ने कहा कि WWE साल 2021 में एंटर होने से पहले सऊदी अरेबिया विजिट करेगी, मतलब साफ है, बट सवाल ये भी है कि जैसे हालात बने हुए हैं उसके बाद ये पॉसिबल है या नहीं, वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। बट उसके लिए विंस मैकमैन ने ये भी कहा कि हर प्लान के लिए प्लान बी भी होता है। विंस मैकमैन की बातों से साफ लग रहा है कि वो जल्द से जल्द WWE को वापस अपनी पटरी पर लाना चाहते हैं। शायद WWE उम्मीद कर रही है कि सऊदी अरेबिया के इस इवेंट में वो लाइव ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पाएगी। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है फॉर्मर WWE और करंट AEW सुपरस्टार जॉन मॉक्सली से। जब जॉन मॉक्सली से AEW में डेब्यू करा, तब से उनका रन AEW में काफी अच्छा चल रहा है। वहीं जब से जॉन मॉक्सली ने WWE छोड़ा है, तब से वो काफी सारी बातों को लेकर WWE को टारगेट करते रहते हैं, खास करके विंस मैकमैन को। हाल ही में एक बार फिर जॉन मॉक्सली ने विंस मैकमैन को लेकर काफी कुछ कहा, जिसमें उन्होंने कहा कि WWE के मुकाबले AEW के सुपरस्टार काफी कम प्रेशर में रहते हैं। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है WWE और AEW में। वहीं जॉन मॉक्सली ने कहा कि मैं आपको बता दूं कि प्रेशर क्या है, ये एक 74 साल के पागल आदमी के द्वारा दो पेज की लिखी स्क्रिप्ट है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो केवल और केवल टीवी पर आपको पागल दिखाने के लिए है। लाखों लोग आपको उस टाइम देख रहे होते हैं, तब आप प्रेशर फील करते हो। अब ये तो हम जानते हैं कि कैसे विंस मैकमैन एंड टाइम पर मैचेस और सेगमेंट्स की स्क्रिप्ट चेंज कर देते हैं। शायद इसके लिए ही जॉन मॉक्सली ने विंस मैकमैन को मैडमैन कहा। अब आते हैं रोमन रेंस पर। जैसा कि मार्च के मंथ से ही रोमन रेंस WWE में नहीं दिख रहे हैं। अब उनके रिटर्न पर ऑफिशियल कोई अपडेट तो आती नहीं है, बस उनके रिटर्न पर रूमर्स ही सर्कुलेट होते रहते हैं। अब रोमन रेंस को लेके ऐसे रूमर्स सामने आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि अगर रोमन रेंस ने SummerSlam से पहले वापसी नहीं करी तो हो सकता है कि वो 2020 में रिटर्न ही ना करें। अब पता नहीं इस बात में कितनी दम है। वैसे रिसेंट में देखकर तो नहीं लगता है कि WWE ने SummerSlam में रोमन रेंस के लिए कुछ प्लान किया हुआ है। वहीं अब होना तो साल के एंड में सर्वाइवर सीरीज भी है। अब पता नहीं वहां रोमन रेंस दिखेंगे या नहीं, या साल 2020 में दिखेंगे ही नहीं। समझ नहीं आता रोमन रेंस के बाहर रहने का रीजन वही है जो WWE और खुद रोमन रेंस बता रही है, या कुछ और ही है। क्या WWE रोमन रेंस को प्रोटेक्ट कर रही है, और अगर कर रही है तो किससे, ये WWE को बताना चाहिए। तो फ्रेंड, ये थी WWE से जुड़ी कुछ बड़ी और कमाल की अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।